तो कैसे हो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स कम फ्रेंड्स, आ गए आपके लिए एक और नई झक्कास वीडियो को लेके। तो गाइस, ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका जो बजट होता है वो होता है 20 से 25 हज़ार रुपये। अब वो सोचता है कि हमको एक अच्छा सा आईफोन मिल जाए जिसको हम यूज़ कर सकें एट एडवांस लेवल और एट अ बेसिक लेवल। तो आज की वीडियो में मेरे पास में एक आईफोन है जो कि है iPhone XS या फिर कह दो iPhone XS, जो कि आपको इजीली 20 से 25 हज़ार रुपये का मिल जाएगा अगर आप इसको रिफर्बिश्ड सेकंड हैंड और कैशिफाई से परचेस करते हो। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि ये फ़ोन कैसा है। और एक चीज़ मैं आपको बताने चलता हूँ, अगर आप iPhone X और iPhone XR से इसको कंपेयर करते हो तो ये फ़ोन उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सर, आज की वीडियो में देखेंगे कि ये कैसा फ़ोन है और क्या आपको 20 से 25 हज़ार रुपये इस पर लगाने चाहिए या फिर नहीं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी जो भी मिलेगी वो मिलेगी इन डिटेल। तो चलो यार, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं या फिर करते हैं इस वीडियो को शुरू सबसे पहले इस फ़ोन के लुक्स एंड फील्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस फ़ोन में जो बॉडी है वो बनी हुई है बैक साइड में ग्लास से, यानी कि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी आपको इसमें दे रखी है और वायरलेस चार्जिंग को भी ओवरऑल सपोर्ट करता है। साइड के जो फ्रेम्स हैं वो हैं भाई इसमें स्टेनलेस स्टील के फ्रेम हैं, जो कि जो फील है और जो कम्फर्ट जोन है वो स्टेनलेस स्टील का नेक्स्ट लेवल जाता है। फ्रंट में भी आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जिस वजह से जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप कवर यूज़ नहीं करते हो, कोई भी केस अगर आप यूज़ नहीं करते हो, तो अगर आपके हाथ से एक बार ये फ़ोन गिरता है तो मैं नहीं मानता यार एक बारी में ये फ़ोन क्रैक हो सकता है। और हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा यार, अगर आप कोई भी आईफोन या फिर कोई सा भी महंगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो एटलीस्ट एक टेम्पर्ड ग्लास तो उस पर लगा के रखना। अब बैग में भी एक टेम्पर्ड ग्लास हो सके तो लगवा लें। ओवरऑल जो फील है, कम्फर्ट है, बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड जोन है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है इसी एप्पल iPhone XS का। मतलब बिल्ड और फिनिशिंग और लुक एंड फील्स जो है ना, कंफर्ट जोन, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है मेरे को इसका। तो गाइस, लुक्स एंड फील्स के बाद अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है 5.8 इंचेस की सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले, जो कि सपोर्ट करती है HDR10 और डॉल्बी विजन को, और 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है, जो कि ओवरऑल सनलाइट में डेलाइट में अमेजिंग परफॉर्म करती ही करती है। 82.9% का स्किन टू बॉडी रेशियो है, जिस वजह से जो बेजल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। चिन को ले लो चाहे आप इसे बेजल्स ले लो, बिल्कुल इक्वल है। और आप चाहे कंटेंट वॉचिंग के लिए ले रहे हो, चाहे किसी भी यूज़ के लिए ले रहे हो, नेटफ्लिक्स के लिए ले रहे हो, तो यार मतलब जो डिस्प्ले क्वालिटी है OLED डिस्प्ले की, क्योंकि यार आईफोन में जो OLED डिस्प्लेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। अगर मैं साइड बाय साइड इसको कंपेयर करता हूँ iPhone XR से, तो उसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है और इसमें OLED डिस्प्ले है, जिस वजह से जो इसका परफॉर्मेंस लेवल है वो iPhone XR से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मैंने एक 4K वीडियो भी चला दी है, जो कि यार मतलब 8K वीडियो है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है वो 4K है और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई। कंटेंट वॉचिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ोन है, मतलब OLED डिस्प्ले मज़ा ही आ गया। साइड अगर मैं इसको साइड से भी देखता हूँ तो कहीं से भी ब्लू और ग्रेश कलर नहीं आता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ओवरऑल। मैंने iPhone XR को भी अपने हाथों में यूज़ किया है और जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो साइड बाई साइड अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो iPhone XS की नेक्स्ट लेवल जाती है। मतलब कंटेंट वॉचिंग के लिए अगर आप कोई भी फ़ोन ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो iPhone XS को। तो गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें लगी हुई है एप्पल की A12 बायोनिक चिप, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। चाहे आप इसमें हाई एंड टास्क के लिए अगर आप कोई भी फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये फ़ोन आपके लिए ही बना हुआ है, क्योंकि अगर आप इस पर गेमिंग की बात करते हो तो बहुत अच्छे तरीके चल जाता है। ओवरऑल जो एप्लीकेशंस को खोलने की स्पीड है वो भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस फ़ोन में। चाहे कोई सा भी इसमें एप्लीकेशन को खोल लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खुल जाता है जितने भी एप्लीकेशंस हैं। और मेरे को अभी तक परफॉर्मेंस में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं लगा है iPhone XS से अगर कंपेयर करता हूँ, XR से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो भाई iPhone XS तो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाता है, क्योंकि उसमें लगी हुई है एप्पल की A11 बायोनिक चिप, वहीं एप्पल के iPhone XR में A12 बायोनिक चिप है। लेकिन हाँ, डिस्प्ले मैंने आपको बताया था कि यार OLED डिस्प्ले है, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा इंक्रीजिंग पॉइंट है इसी iPhone XS में। गेमिंग की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो BGMI जैसे गेम्स में ये अल्ट्रा HD तक चला देता है, जो कि मैं अभी आपको एक गेम प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ BGMI की, तो इसमें मैं सेटिंग्स में जाके आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप HD एक्सट्रीम तक खेल सकते हो और HDR का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। चलिए पे एक गेम को भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई इतना हमारा अल्ट्रा HD भी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने BGMI के गेम प्ले को स्टार्ट कर दिया है और जो स्मूथनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है मेरे को। मैंने बहुत सारे फ़ोन्स में ट्राई किया है लेकिन अभी तक यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। लैंड होने के बाद देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देता है ये।
और फिर अल्ट्रा एचडी में भी एक गेम प्ले करते हैं इसका। तो यहाँ पर मैंने मैच को भी स्टार्ट कर दिया है और जो ओवरऑल स्पीकर और जो ओवरऑल ग्राफिक्स की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रही है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ये मैंने HDR एक्सट्रीम पे चला रखा था, अब हम इसको अल्ट्रा HD पे भी चला कर देख लेते हैं। यहाँ पे अभी यार ये डाउनलोडिंग ही हो रहा है यार। अच्छा लॉबी में जाके डाउनलोड होगा, तो चलिए यार देखते हैं फिर इसको लॉबी में जाके खेलते हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में इसको ट्राई किया है, इवन आईफोन 12 आईफोन 13 में भी ट्राई किया है, और जो आईफोन 13 और आईफोन 10S में डिफरेंस है BGMI के गेम प्ले में वो मेरे को जरा सा भी नहीं दिख रहा है। मतलब जो गेम प्ले क्वालिटी है, स्मूथनेस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को इसी आईफोन 10S में। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए ज़्यादातर लोग लेते हैं आईफोन्स को। अब बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरे की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें जो बैक साइड है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है 12+12 मेगापिक्सल्स का कैमरा, जो कि एक वाइड है और एक है टेलीफोटो लेंस। इसमें OIS भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फ्रंट में 7 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। अगेन कहता हूँ कि यार एप्पल में या फिर किसी भी स्मार्टफोन में मेगापिक्सल्स नहीं देखे जाते हैं, सेंसर देखा जाता है कि भाई सेंसर की जो क्वालिटी है वो कितनी बढ़िया है। कैमरा एप्लीकेशन की बात करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे हमको कैमरा एप्लीकेशन मिल जाती है जस्ट लाइक एवरी आईफोन। और अगर बात करता हूँ आपसे बैक में, आप कितने तक शूट कर सकते हो, कितने तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, तो HD 30 फ्रेम्स और साथ ही साथ 4K 60fps में भी आप इसमें वीडियो को शूट कर सकते हो, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। फ्रंट कैमरे की बात करता हूँ, फ्रंट कैमरे में आप मैक्सिमम शूट कर सकते हो HD 60fps में, जो कि मतलब इस प्राइस पॉइंट पे हर एक फ़ोन इतनी ही देता है, परफॉर्म करता है HD 60fps। अगर बात करता हूँ आईफोन 10 की, तो उसमें तो आप बस 1080p 30fps तक ही शूट कर सकते हो। ओवरऑल जो क्वालिटी है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। कैमरा की कुछ कैमरा शॉट्स हैं जो कि मैंने इसी फ़ोन से क्लिक किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये एक वीडियो है जो कि मैंने आज ही, भाई बारिश हो रही थी तो मैंने इसको शूट किया है। इसमें जो क्वालिटी है आप देख सकते हो, एक्सपोजर जो है स्काई को जो दिखा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से दिखा रहा है। अब बात करता हूँ कुछ और शॉट्स के जो कि मैंने इसी फ़ोन से क्लिक किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला शॉट को ये मैंने इसी फ़ोन से क्लिक किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा चेहरा है भाई, मतलब मेरा जो फेस है उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया है, और जो बैक है वो थोड़ा सा मतलब ब्राइट सा कर दिया है। तो थोड़ा सा आपको फोकस में अगर आप स्काई से करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है आपको। अगर ओवरऑल इस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हो, भाई क्या ही ज़बरदस्त वीडियो इसने बनाई यहाँ पे इसी क्लाउड की। तब ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी मेरे को इसी आईफोन 10S की। बहुत सारे जो कैमरा शॉट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लगा भी रखे हैं स्क्रीन पे, आप अब उनका थोड़ा सा मज़ा उठाओ। तो गाइस कैमरे के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसका जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब आईफोन 12 और आईफोन 13 से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ इसका, तो सेंसर्स में ही फ़र्क आया हुआ है, मेगापिक्सल्स उतने ही हैं, और जो थोड़ा सा एक्सपोजर है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मतलब एक्सपोजर की जो क्वालिटी है वही आईफोन 12 और 13 में बढ़ाई है, और तो भाई जस्ट लाइक आईफोन 13 और आईफोन 12 इसका कैमरा भी वैसा ही परफॉर्म कर लेता है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस अब सारी चीज़ें हो ही गई हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में इसी फ़ोन की। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है 2658 mAh की बैटरी, यानी कि 2658 mAh की बैटरी, जो कि यार एक आईफोन के हिसाब से इनफ बैटरी है। क्योंकि मैं बहुत वीडियोज़ में आपको कहता हूँ कि जो iOS है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, इसलिए जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर देता है। मैंने भाई जब इस फ़ोन को परचेज़ किया था तो मैंने भी सोचा था कि यार बैटरी नहीं चलेगी, लेकिन मैंने आज सुबह इसको चार्ज किया था फ़ोन को 100%, और अभी तक भाई आप देख सकते हो 40% ही ये फ़ोन डिक्रीज़ हुआ है। बात करता हूँ अगर मैं आपसे इसकी बैटरी की, यहाँ पे मैं जाता हूँ बैटरी में, और यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस फ़ोन का दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट 4 hours and 50 minutes इसका स्क्रीन ऑन टाइम भी रहा है आज, और भाई ओनली 40% ही इसने बैटरी, मतलब 60% ही डिक्रीज़ हुई है। बैटरी हेल्थ की बात करता हूँ तो यहाँ पे 91% है मेरे वाले की जो बैटरी हेल्थ है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार बैटरी हेल्थ से क्या होता है, एंड्रॉयड फ़ोन तो नहीं प्रोवाइड करते हैं बैटरी हेल्थ का ऑप्शन। तो बैटरी हेल्थ के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका जो स्मार्टफोन है उसमें 10,000 mAh की बैटरी है, अब भाई किसी भी आईफोन में नहीं है, आप मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मान लीजिए, और आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 80% आप मान लीजिए,
तो उसका जो यानी कि 10,000 mAh का जो 80% है वो ही आपका फ़ोन यूज़ कर पाएगा, लेकिन वही आपका फ़ोन यूज़ कर पाएगा यानी कि उस 10,000 mAh में से सिर्फ 8,000 mAh ही बैटरी इस्तेमाल हो पाएगी, यूज़ में आ पाएगी। तो यही फ़र्क पड़ता है बैटरी हेल्थ से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 80% प्लस वाले ही आप आईफोन को परचेज करना, क्योंकि यार बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि अगर 70% के आसपास है तो कभी कभार जब आपका आईफोन है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट भी हो जाता है। खैर, आप 2-3 हज़ार रुपये दे के इसको रिप्लेस भी करा सकते हो बैटरी को। ओवरऑल जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आराम से मेरे को एक दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। मैं पिछले 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई मैं सुबह को चार्ज करता हूँ, शाम तक ईजिली चल जाता है। दिन में बस एक ही बार मेरे को ये फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैंने गेम्स अभी तक इस फोन में मैंने खेल के ट्राई नहीं करे, आपके सामने बस गेम प्ले दिखा दिया है। पर हो सकता है कि यार अगर हम गेम प्ले करते हैं, एडवांस लेवल पर जाते हैं, तो शायद हो सकता है कि आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ जाए ये फ़ोन, वरना भाई मेरे को तो बस एक ही बार चार्ज करना पड़ता है ये फ़ोन। बैटरी इवन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को इसकी। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी स्पीकर क्वालिटी के बारे में। मैं यहाँ पे एक म्यूज़िक सा चला देता हूँ, जो कि भाई नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक ही चलाना पड़ेगा। भाई आप सोच रहे हो गाने बजा दूंगा, तो भाई सॉरी, मैं यूट्यूब पर यार नहीं बजा सकता गाने। तो गाइस, यहाँ पे मैंने NCS म्यूज़िक का एक गाना चलाता हूँ, जो कि आप इवन नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक है भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है, कॉपीराइट क्लेम मत देना मेरे को। यहाँ पे मैं चलाता हूँ भाई, तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से आवाज़ आती है भाई। मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे भाई, मतलब 360 एनवायरनमेंट बन जाता है हमारे सामने जब हम इसमें कोई भी गाना चलाते हैं। मतलब स्पीकर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है इसी iPhone XS की। तो चलो गाइस, अब बात करते हैं एट दी एंड इसकी फेस आईडी और भाई मतलब सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी का तो आपको पता ही है भाई, iOS जाना ही अपनी सिक्योरिटी के लिए जाता है, और जो ओवरऑल फेस आईडीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क भी करती हैं। मैं बंद करता हूँ फ़ोन को और यहाँ पे भाई मैं अपना फेस दिखाता हूँ, एकदम भाई अनलॉक हो गया। दोबारा से खोलता हूँ, फेस दिखाया, अनलॉक हो गया। इसमें एक और अपडेट आया था अभी जब मैंने इसको परचेस किया था, उसके बाद ही कि यार हम मास्क अगर हम लगा रखा है तो हम मास्क पहन के भी इस फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। जो कह रहे, जो ये वाला फीचर है ये इस फ़ोन में आ रहा था, ये मेरे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा ही था, लेकिन इस फ़ोन में भी वो वाला ऑप्शन आ गया है। पर ये और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और बाकी बायोमेट्रिक्स की बात करता हूँ तो ओनली फेस आईडी मिलती है भाई साहब। आपको पता ही होगा कि भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर जो होते हैं वो सिर्फ आपको उन्हीं फ़ोन से मिलता है जिनमें होम बटन रहता है आईफोन्स में। और जो ओवरऑल यार मतलब फेस आईडी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार एप्पल की पुरानी फेस आईडी है, बहुत ज़्यादा डिले है, लेकिन आप खुद ही देख लो। मैं इस टाइम इस फ़ोन को बंद करता हूँ और दोबारा से ऑन करता हूँ, मतलब एकदम अनलॉक हो चुका है। तो फेस आईडी और इवन जितनी भी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, बायोमेट्रिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करती है। तो गाइस सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दी है, लेकिन हाँ, अगर कोई भी चीज़ मेरे से छूट गई है उस वीडियो में इंक्लूड करने से, तो भाई आप फील फ्री टू कमेंट मी। आप मेरे को भाई बिल्कुल किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर आप अगर आपके कमेंट में कोई भी क्वेश्चन होगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा और आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो भाई कमेंट करके बता देना मेरे को अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो। और अब बात करते हैं क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए 20 से 25 हज़ार के बजट पे या फिर नहीं। देखो गाइस, 20 से 25 हज़ार के बजट पे आपको iPhone X, iPhone XR और iPhone XS देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए हम 10 को भी निकाल देते हैं क्योंकि वो इसकी टक्कर का नहीं है। 10R से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो गाइस 10R में सबसे बड़ा जो मतलब मैं कहूँगा डिक्रीज यानी नेगेटिव पॉइंट है वो है इस उसके डिस्प्ले। उसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जिस वजह से जो iPhone XS है ये अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे लिए 20 से 25 हज़ार रुपये में, अगर आपको भी रिफर्बिश्ड iPhone को परचेज़ करना चाहते हो तो। तो गाइस यस, बिल्कुल आप परचेज़ कर सकते हो iPhone XS को। iPhone XS Max भी एक बात है जो कि आपको 29 से 30 हज़ार के ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उस प्राइस पॉइंट पर आपको भाई iPhone 11 और 12 भी कुछ दिनों में आ जाएंगे जैसे ही iPhone 14 लॉन्च होता है। ये फ़ोन आज भी उतना ही पावरफुल है जितना ये पहले था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोन को ले लेना। अब बात करते हैं कहाँ से आप इसको ले सकते हो। कैशिफाई पर आप इसको परचेज़ कर सकते हो या फिर OLX पे या फिर किसी भी ऑफलाइन शॉप से। मैंने इसको ऑफलाइन शॉप से परचेज़ किया, मेरे पास 256 GB वाला वेरियंट है, जो कि मतलब मेरे को अराउंड 20 से 25 हज़ार के ही प्राइस पॉइंट पर यह फ़ोन पड़ा था, जो कि यार अमेजिंग सी डील मेरे को मिल चुकी है। तो यार आप बताना मेरे को कैसी लगी आपको यही वीडियो, और क्या आप इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहोगे 20 से 25 हज़ार रुपये में। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली एक और झक्कास वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं गाइस बाद में। जय हिंद।